नेटफ्लिक्स पर हाल ही के दिनों में रिलीज हुई मूवी अमर सिंह चमकीला आधारित है पंजाबी गायक अमर सिंह चमकीला जी के बारे में, जिन्होंने अपनी लाइफ में ऐसे मुकाम हासिल कर लिया था जो बड़े से बड़ा गायक सपना देखता है बनने का। कुछ ही लोगों को वो शोहरत और नाम मिल पाते हैं और कुछ को नहीं। अमर सिंह चमकीला जी ऐसे ही गायक थे जिनके नाम का पूरा पंजाब दीवाना था। चमकीला जी अपना नाम उन ऊंचाइयों तक ले आए थे कि जितने उनके फैंस थे उतने उनके दुश्मन भी थे। अपना नाम कमाने के बाद, अपने नाम का झंडा पूरे पंजाब में लहराने के बाद, चमकीला जी ने दुनिया को भी काफी छोटी उम्र में अलविदा भी कह दिया था। सिर्फ 28 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत होने के बाद आज भी चमकीला जी के गाने सिर्फ सुने ही नहीं जाते, बल्कि उन्हीं गानों ने चमकीला जी को आज भी लोगों के दिलों में जिंदा रखा हुआ है। चमकीला जी की जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए, जिनसे आप चमकीला जी को और करीब से जान पाएंगे। फैक्ट नंबर 1, लुधियाना के डुगरी में जन्मे चमकीला जी का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। अपने परिवार की फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए चमकीला जी ने काफी यंग एज से ही नौकरी करनी शुरू कर दी थी एक टेक्सटाइल मिल में, जहां वह जराबे बनाया करते थे। अपने परिवार को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के साथ साथ चमकीला जी ने गाने गाना और लिखने का शौक कभी भी नहीं छोड़ा। अपनी नौकरी के दौरान ही चमकीला जी ने हारमोनियम और ढोलकी बजाना भी सीख लिया था। फैक्ट नंबर 2, चमकीला जी ने लाइव ऑडियंस के सामने गाना साल 1980 के करीब शुरू करा, जिन्हें अखाड़े कहा जाता था। उनके अखाड़ों में इतनी भीड़ होती थी कि खड़े होने की जगह मिल पाने में भी लोगों को दिक्कत होती थी। लोगों का हुजूम चमकीला जी के अखाड़े में आता था और वही लोग ही चमकीला जी के खिलाफ बुरा भला भी खूब बोलते थे। वह एक दिन में 2 से 3 अखाड़ों में गाया करते थे। चमकीला जी का नाम सिर्फ पंजाब में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब जाना जाता था। कनाडा, अमेरिका, दुबई में भी चमकीला जी के नाम को जानने वालों की कोई कमी नहीं थी। वह जब भी किसी अखाड़े में गाते थे तब आसपास के लोग घरों की छतों पर चढ़कर भी चमकीला जी को सुना करते थे। कई बार तो उन घरों की छत भी टूट जाया करती थी। चमकीला जी ने वैसे तो कई गाने स्टूडियो में भी रिकॉर्ड करे थे, लेकिन उन्हें खुद गाने गाना लोगों के सामने ही पसंद था। यहाँ तक कि उनके कई ऐसे पॉपुलर सॉन्ग थे जो उन्होंने सीधा अखाड़ों में ही गाए थे। फैक्ट नंबर 3, अमरजोत चमकीला जी की सेकंड वाइफ थी। उनकी पहली मैरिज गुरमेल कौर के साथ हुई थी, जिनसे उन्हें 2 डॉटर्स थी, अमनदीप कौर एंड कमलदीप कौर। उनकी पहली मैरिज तब हुई थी जब वह पंजाबी सिंगर सुरेंद्र शिंदे के पास नौकरी करा करते थे। मैरिज के बाद अपना घर चलाने के लिए सुरेंद्र शिंदे के लिए गाने लिखने के बाद चमकीला जी ने खुद अपने दम पर गाने गाना भी शुरू कर दिया था। चमकीला जी के सारे गाने ड्यूट हुआ करते थे, इसलिए उन्हें फीमेल वॉइस की काफी जरूरत पड़ा करती थी। बहुत सी फीमेल आर्टिस्ट के साथ एल्बम करने के बाद उनके साथ एल्बम हिट हो जाने के बावजूद भी ऐसी कोई फीमेल आर्टिस्ट नहीं थी जो उनके साथ लंबे समय के लिए काम करना चाहती थी। तब काफी तलाश करने के बाद उनकी मुलाकात अमरजोत के साथ हुई। अखाड़ों में चमकीला जी और अमरजोत की जोड़ी को काफी पसंद किया गया और धीरे धीरे ये जोड़ी पूरे पंजाब में पॉपुलर हो गई। फैक्ट नंबर 4, चमकीला जी की पॉपुलैरिटी का ये आलम था कि उनके मुकाबले में और जितने भी गायक थे उस जमाने के, उन्हें काम मिलना बिल्कुल ही बंद हो चुका था। उन सभी गायकों के लिए आजीविका चला पाना भी मुश्किल हो चुका था। कईयों ने तो गाने गाना ही छोड़ दिया था। चमकीला जी की मौत के पीछे ये फैक्टर भी जोड़ा जाता है कि उनकी हत्या करवाने के पीछे दूसरे गायकों का ही हाथ है। फैक्ट नंबर 5, 8 मार्च 1988 को पंजाब के शहर जलंधर से 80 किलोमीटर दूर मैसानपुर में चमकीला जी का शो था, जिसमें वह करीब दोपहर के 1:45 बजे पहुंचे थे अपनी वाइफ और अपनी पूरी टीम के साथ। बाकी अखाड़ों की ही तरह यहां भी लोगों का हुजूम मौजूद था। खचा खच जगह पूरी तरह से भरी हुई थी। उसी दौरान बाइक पर सवार 3 लोग आते हैं और चमकीला जी, उनकी वाइफ और उनकी पूरी टीम पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। चमकीला जी, उनकी वाइफ और 2 टीम मेंबर्स की ऑन द स्पॉट ही डेथ हो जाती है।
इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद भी ऐसे गायक की हत्या हो जाना जिसका नाम पूरे पंजाब में जाना जाता था, चमकीला जी की हत्या को लेकर कोई भी शिकायत तक नहीं की जाती। वैसे तो उनकी मौत की खबर पूरे पंजाब में आग की तरह फैल चुकी थी, लेकिन यहाँ तक कि उनके परिवार के द्वारा भी कोई FIR तक नहीं होती। उनकी हत्या को लेकर ये थ्योरी भी मानी जाती है कि उनकी वाइफ अमरजोत के परिवार के लोगों ने ही उनकी हत्या करवाई थी, जो कि चमकीला जी दलित समुदाय से आते थे, वहीं उनकी वाइफ अमरजोत जट सिख थी। इसी रोष के कारण उनकी हत्या करवाई गई थी। चमकीला जी अपने गानों की बदौलत आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। पंजाब के इतिहास में ऐसा कोई भी कलाकार अब तक नहीं हुआ है जिसने इतनी शोहरत और मुकाम हासिल करा हो, और ना ही ऐसा हो पाएगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।